हेलो मरबानी, अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं अरिका ना हक की, क्योंकि मुझे नहीं लगता टिकटॉक पे फेमस होने का इसका कोई हक है। मैंने इसकी काफी वीडियोस देखी कि शायद कोई मुझे ऐसी वीडियो मिल जाए जिसे देख के मुझे लगे कि भाई हाँ, लड़की में टैलेंट है और इसका हक है फेमस होने का। लेकिन नहीं, मुझे तो लग रहा था कि मैं एक आटे का पेड़ा देख रहा हूँ जो मुझसे बातें कर रहा है। ना मेकअप, फिर कहते ने आटे की किल्लत है, सारा आटा तो ये ले जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, इट शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। अगर फिर भी किसी बंदे की तबीयत ज्यादा खराब होती तो बंदे दे पुत्र बन के देखना, ये डिसलाइक वाली बगैरती लगाई तो देखना। ऐसे पेंडे ठरकियों की वजह से ऐसी परियां जो सिर्फ कोका के जंगलात में पाई जाती हैं स्टार बनी बैठी हैं। ऐसी लड़की कभी नहीं मानती कि उसके हुस्न का सारा राज मेकअप और कैमरे के फिल्टर्स हैं, बल्कि कहती हैं मैं तो बचपन से ही प्यार हूँ, मेरा तो नेचुरल कलर है, मेरी चाहे मामा से पूछ लो। सही कह रही हूँ, पाकिस्तान में ना कभी फाद मुस्तफा ने मानना है कि उसने टीके लगवाए हैं, और ना इसने मानना है कि सारा आटे का मेरा मतलब है कि मेकअप का कमाल है। हालांकि इसे जरा सा लक्स लगा के कोसे कोसे बानी में पोला बोला धोया जाए तो नीचे से क्रिस गेल की खाला निकलेगी। मेरी पसंद को मैं पसंद हूँ। अब इसी तरह की वीडियोस देख के हमारे ठरकी पिघल जाते हैं और लाइक कर देते हैं। ऐसे ठरकियों की सिर्फ दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पहली लड़की हो और दूसरी जिंदा हो। फिर वो ये नहीं देखते कि सामने अरिका ना हक है या परी पाटा डोल, इनका काम होता है सिर्फ अपने अंगूठे को थोड़ी सी जहमत दे के इनको लाइक करना। खैर अगली वीडियो परी पाटा डोल पे भी आ रही है, मैंने भी इसकी इतनी वीडियोस देखी हैं अपनी वीडियो बनाने के लिए, यकीन मानो इसका शदीद नैश किस्म का बिंगा चिब्बा मुंह बनाना जितना मुझे बुरा लगा ना शायद ही किसी को लगा हो, क्योंकि मैंने इकट्ठी काफी वीडियोस देख ली थी और वो मुझसे हजम नहीं हुई, लिटरली मुझे उल्टी आने लगी थी। इतने फेक किस्म के एक्सप्रेशन देती है ये कि अगर कोई समझदार बंदा जिसने दुनिया देखी हो इसे उल्टी आ जाए, चाहे फौरन आए या लिटरली, लेकिन उल्टी आ जाए। चलो एक्सप्रेशन तक तो ठीक है, साथ में मुंह से थूक भी बाहर भगाती रहती है, अजीब काम है इसके। ऊपर से परवट्टे पे ब्लेड लगवा के कहती है मुझे बचपन में साठ लगी थी। बंदा पूछे अगर तुझे साठ लगी है तो पाकिस्तान के आधे टिकटॉकरों को साठे ही लगी हुई है, लेकिन दिमाग पे कोई परवट्टे कटा के आ जाता है, कोई बाल बढ़ा के खुसरा बन के, कोई लिपस्टिक वाला खुसरा बन के, कोई एम ही चली जाता है। पता नहीं केड़ा इन्हें चीन फता करना है। और ये खोते वाले और फयाज मसल्ली गैंग और मौलवी इरफान की तो बात ही ना करो, इनका तो लेवल ही कुछ और है। अब वापिस आते हैं इस अरिका ना हक पे। झुकने पर तो मजबूर मैं तुझे भी कर दूंगा। ये जो आटा तुमने मुंह पे थापा है थोड़ा सा गर्दन पे भी हाथ फेर लेना था। क्या गर्दन तुम्हारी अपनी नहीं, वो किसी से उधार लेके लगाई है? ऐसी लड़की से इनकी अम्मी की कोई दूर की सहेली पूछे ना कि बेटी क्या करती हो, तो बिस्ती प्रूफ होके कहती है आवाजार करती हूँ मैं लोगों को और कुछ ठरकियों को खुश भी। ऐसी बंदी से कोई पूछे ना कि तुम कितना पढ़ी हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तो कहती है सीए पढ़ा है मैंने, हालांकि वो सीए बाहर बोर्ड पे बड़ा करके लिखा होता है वो पढ़ के आई होती है। ऐसी लड़कियां भी अपनी दोस्तों को कहती रहती है मेरे पीछे बड़े लड़के पढ़े हैं, हालांकि इन्होंने उनका उधार देना होता है। और बीबी तो ना उधार वापस करेंगी तो तेरे पीछे नहीं आएंगे। इसका मुंह गौर से देखो तो ऐसे लगता है जैसे ठीपों की कॉपी है। मेरे प्यार में वो इतना पागल है, दो बार मेरे हाथ की नसें भी काट चुका है। वो तो यकीनन फिर समझदार ही होगा जो अपनी नहीं तुम्हारी नसें काटेगा। ऐसी लड़कियों को कोई कहे ना कि हुकूमत बांग पे पाबंदी लगा के उसे बंद कर रही है तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? तो कहती हैं जी अच्छी बात है, बंद होनी चाहिए, कर दे बंद, बस हमारे हिस्से की हमें पहुंचा दिया करें। ऐसी लड़कियां पिंग पे झूला लेते लेते साथ वाले घर से सालन भी पकड़ लेती हैं। बड़ी टारजन। ऐसी लड़की को कोई रिश्ते वाले देखने हैं तो इनसे इनकी दोस्तें इतनी बात पे मिठाई खा लेती हैं कि चलो तुम्हें कम से कम कोई देखने तो आया। ऐसी लड़कियां इतनी मनूस होती हैं कि विग लगवाएं तो उसके भी बाल झड़ जाते हैं। यूट्यूब पे वीडियो देख लो, इसने काशी से विग लगवाई थी लेकिन विग के भी बाल झड़ गए और नीचे वो खाली शापर सा रह गया। ऐसी लड़कियां होती बड़ी अच्छी हैं, जितनी मर्जी बिस्ती करो आगे सस्ती रहती हैं। ऐसी लड़कियां मुंह पे तो मेकअप लगा के दिखने के काबिल हो जाती हैं लेकिन बाकी जिस्म पे पित निकली होती है। ऐसी लड़कियां इतना बोलती हैं कि अभी जिंदगी पड़ी होती है और बातें खत्म हो जाती हैं। ऐसी लड़कियां हाथ में कैलकुलेटर पकड़ के दोस्त को कह रही होती हैं मैंने तेरा लगा लिया साहब, तू बंदी ठीक नहीं। इसके यूट्यूब पे लाख सब्सक्राइबर होने पे यूट्यूब वालों ने इसको सिल्वर प्ले बटन भेजा तो ये आगे से कबाड़िए से सिल्वर का रेट पूछ रही है कि पाइन सिल्वर किस तरह किलो है। खुद का थोड़ा ख्याल रखा करें। हो भाई और कितना ख्याल रखे, होंठों पे लिपस्टिक, आंखों में लेंस, ऊपर आईलैशेस, सर पे काशी की विग, पर वट्टे पे टक और गले में चेन और मुंह पे 350 ग्राम बेसन, और कितना ख्याल रखे अपना। बेटा जिस दिन इसने मुंह धो के एक टिकटॉक बना ली ना तो इसके 7-8 मिलियन फॉलोअर्स को रास्ता नहीं मिलना के भागना का है, ये अंदर से निकलेगी खूबसूरत हसीना पिछल पैरी 420। ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपने सगे भाइयों को कुट पड़वा रही होती हैं बाहर लड़कों से, हालांकि कसूर इनका अपना होता है, ना पहले पीछे लगाया करो लड़कों को। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत
बहुत बेकार होता है। देख लो ये अपने फॉलोअर्स को बताती भी रहती है कि मैं 18 साल की नहीं हूँ बल्कि औरत हूँ। बस मेकअप और फिल्टर का कमाल है सारा। मेरे चक्कर में ना पड़ो वरना इतने चक्कर दूंगी कि सारी उम्र चक्राते फिरोगे। लेकिन नहीं, ठरकियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इन ठरकियों के कमेंट चेक करो जरा। आता माजी सटक रेली, नहीं अता मजारी कहते हैं अरिका व्हाई आर यू सो ब्यूटीफुल। ऐसे बंदे होते हैं मोहल्ले में कोई बाबा फोत हो जाए तो वहां जाकर रोला डाल देते हैं कि इसकी सिम बंद ना कराना, मुझे दे दो। बंदा पूछे तेरा अब्बा लगता है। आगे देखो उफ एक्सप्रेशंस, हा 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 हा, नाइस यार, क्यूट लुक, उफ क्यूटी, वाह वाह। देख रहे हो बंदे को। अब इसका नाम क्या है? साइलेंट लव 49। नाम साइलेंट लव 49 है लेकिन इसने कमेंट 69 वाला किया। फॉलोअर्स लेने के लिए डीपी लड़की वाली लगाई है और ठरक इसकी लड़कों वाली है। और यह है भी 101% लड़का है। ऐसे लड़के होते हैं इंस्टा पे लड़की की फेक आईडी बना के लड़कियों को फॉलो करते हैं, फिर इन्हें डीएम करके अपनी बहन बनाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने असल मिशन पे आ जाते हैं। हीर इस्लाम 5, क्या ड्रेसिंग है, वाह वाह। ऐसे बंदे खुद सारा दिन अम्मी की सलवार पहन के घर पे घूमते रहते हैं, वो भी उल्टी, दूसरों की ड्रेसिंग देख के, वाह वाह, ओ भाई जा जा। नाम के आगे इसने इस्लाम लिखा है लेकिन काम इसके सारे गैर मुस्लिमों वाले हैं। तो यार ये रही आज की वीडियो। इसको रिका के पंखे ज्यादा दिल पे ना लेना, ये बस हल्का फुल्का मजाक था। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में घंटा बन के आएगा, उस घंटे को दबाएंगे तो टन टन की आवाजें आती हैं। यकीन नहीं आता तो करके देख लो। अच्छा यार मैं हूं सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।